चलिए दोस्तों, आज हम एक और एरर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें कई कारण हो सकते हैं लोकल होस्ट कनेक्ट नहीं होने के, जैसे कि सर्वर का ब्लॉक हो जाना फायरवॉल के द्वारा, या फिर रॉन्ग पोर्ट पर चलना, या फिर आपके ब्राउजर को रिकन्फिगर करना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या है और आप इसे कैसे अपना सकते हैं। और अगर आपको और गहराई के साथ इन टॉपिक के बारे में जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर का फायरवॉल ट्रैफिक को मॉनिटर और फिल्टर दोनों ही करता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है आपके कंप्यूटर को खतरे से बचाने के लिए। और इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखें कि कई बार ये कंप्लीटली सेफ कनेक्शंस को भी ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको ये एरर आ सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फायरवॉल को विंडोज में डिसेबल कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको जानना है कि दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे कैसे डिसेबल कर सकते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्यूटोरियल लिंक्स को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले विंडोज प्लस आर की को दबाइए, यहां टाइप कीजिए कंट्रोल पैनल और फिर एंटर दबाइए। अब यहां पर सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कीजिए, यहां विंडोज डिफेंडर फायरवॉल पर क्लिक कीजिए। यहां लेफ्ट साइड पर टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। और यहां से आप प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही नेटवर्क को इस रेडियो बटन पर क्लिक करके डिसेबल कर दीजिए। याद रखिए कि लंबे समय तक फायरवॉल को बंद रखना यानी खतरों को बुलावा हो सकता है, जिसका जरूर ध्यान रखें और समय होने पर उसे वापिस शुरू कर दें। ऐसे भी कई केसेस है जहां पर आपके कंप्यूटर के डीएनएस कैश जब कुछ आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट होते हैं तो हो सकता है उसके वजह से भी एरर दिख रही हो, और इसे ठीक करने के लिए आपको डीएनएस को फ्लश करना होगा यानी साफ करना होगा। तो चलिए इस चीज को करने के लिए वापस विंडोज प्लस आर दबाइए और टाइप करें सीएमडी, फिर एंटर दबाइए। अब इस कमांड को टाइप करें जिसे आप डिस्क्रिप्शन से भी कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं और फिर एंटर दबाइए। देखिए आपका डीएनएस क्लीन हो चुका है। सर्वर का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 होता है, तो अगर आप अपने एड्रेस बार में लोकल होस्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्चुअली में आप लोकल होस्ट 80 पर ही डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्वर्स भी होते हैं जो कि डिफॉल्ट पोर्ट के लिए कॉन्फ़िगर किए हुए नहीं होते हैं, जिसके कारण आपको ये एरर शो होती है। कई बार पोर्ट 80 कुछ और प्रोग्राम्स में भी यूज होता है, जिसके कारण आपको ये एरर आ सकती है। तो चलिए इसे फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि पोर्ट 80 फ्री है या नहीं। ये चीज हम चेक कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके जिसका नाम है XAMPP, यानी XAMPP, जिसको आप डिस्क्रिप्शन से भी लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं XAMPP को चालू करके। सबसे पहले यहाँ नेट स्टेट पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर पर इस्तेमाल होने वाले वो सारे पोर्ट्स को देख सकते हैं और चेक करें कि पोर्ट 80 फ्री है या फिर कोई और एप्लीकेशन में यूज हो रहा है। अगर कोई और एप्लीकेशन में पोर्ट 80 यूज हो रहा है तो आपको लोकल होस्ट सर्वर को दूसरे पोर्ट नंबर से कॉन्फ़िगर करना होगा, जैसे उदाहरण के लिए 8080। तो इस चीज को करने के लिए आपको पहले अपाचे को स्टॉप करना होगा, फिर यहाँ साइड में कॉन्फ़िग लिखा है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ सबसे पहला अपाचे ब्रैकेट में http.conf लिखा है उस पर क्लिक कीजिए। अब कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस F दबाइए और फाइंड कीजिए सर्वर नेम स्पेस लोकल होस्ट, फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर 80 के बाद और एक बार 80 लिख दीजिए, फिर वापस फाइंड पर क्लिक कीजिए और फाइंड कीजिए लिसन। अगर पोर्ट 80 फ्री है तो ये जरूर चेक करें कि लिसन और लोकल होस्ट पोर्ट मैच करते हो, और अगर वो ऑलरेडी लिया हुआ है तो पोर्ट को चेंज कर दे कुछ और नंबर से, जैसे कि 8080। फिर फाइल को सेव कर दे और बंद कर दे। वापिस XAMPP को ओपन करें और अपाचे को रीस्टार्ट करें। आपके ब्राउजर का कॉन्फ़िगरेशन भी एक कारण हो सकता है इस एरर को लेकर। जब आप HTTP वेब एड्रेस को एंटर करते हैं तो कुछ ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली उसे HTTPS पर रीडायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर वेबसाइट में वैलिड SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए यही देखते हैं कि आप गूगल क्रोम को रिकन्फिगर कैसे कर सकते हैं। आपके ब्राउजर के URL बार में इस एड्रेस को टाइप कीजिए जिसे आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं।
और यहां ढूंढिए डिलीट डोमेन सिक्योरिटी पॉलिसीज। अब डोमेन की फील्ड में लोकल होस्ट टाइप कीजिए और डिलीट पर क्लिक कीजिए। अब अपने ब्राउजर को रीस्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि एक और एरर को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चले, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लेने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए और लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाए। आपके विचार हम कमेंट सेक्शन में स्वागत करते हैं। और हाँ, जब भी आप hostinger.in पर आकर हमारे किसी भी प्लान को खरीदते हैं तो याद रहे हमारा कूपन कोड HI10 को इस्तेमाल करना न भूले, ताकि आपको अपनी खरीद पर 10% डिस्काउंट मिल पाए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।